तो हमारा टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी क्लास के लिए एक टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम टेबल हम क्रिएट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम हम करेंगे कि पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, इसको हम चेंज करके लैंडस्केप पर सेट करेंगे। तो सिंपली लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन है टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हमको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह हमसे पूछता है कि आपको टेबल के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। तो यहाँ पर हमको 10 कॉलम्स चाहिए और 9 रोज चाहिए। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल हमारी इंसर्ट हो जाएगी। इसको हम रिसाइज कर लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेंगे और लेआउट टैब के अंदर ऑप्शन है मर्ज सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये रो हमारी मर्ज हो जाएगी। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइम टेबल, इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं एंड इसको बोल्ड कर देते हैं। वापस से लेआउट टैब के अंदर आएंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है अलाइनमेंट, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर। अब यहाँ पर हम किसी भी सेल के अंदर टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेल के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। अब ऐसे ही इस वाली रो को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड मर्ज कर देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे रूटीन फॉर क्लास 12th। क्लास आपकी कोई भी हो सकती है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं एंड इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेज और यहाँ पर डेज नेम लिख देंगे। यहाँ पर हम पीरियड लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ। यहाँ पर पीरियड को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इस वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर मर्ज कर देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ब्रेक, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी। इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं। इन हेडिंग्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट नेम फिल कर देंगे। तो सारे सब्जेक्ट हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम टाइम टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका टेक्स्ट फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसकी हम टेक्स्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट आपको पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज होगा एंड यहाँ से सेल का कलर चेंज होगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एक सिंपल एंड अट्रैक्टिव टाइम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।